हे व्हाट इज अप गाइस, आई होस्ट प्रणव बैक विद अ न्यू वीडियो। और आज यहाँ पर हम कुछ ऐसे दो स्टॉक्स के बारे में बात करने वाले हैं जो यहाँ पर काफी फिलहाल चर्चे में है और काफी न्यूज में भी आ रहे हैं और इनके बारे में बातें भी काफी हो रही है। बहुत से लोग, बहुत से रिटेल इन्वेस्टर्स, मोस्टली आई पर्सनली नो बहुत से ऐसे लोग हैं जो यहाँ पर इन स्टॉक्स में काफी अभी करंटली इन्वेस्ट करते जा रहे हैं। मैंने अभी पिछले टाइम एक वीडियो में इस स्टॉक के बारे इन स्टॉक के बारे में जनरली कहा था, एक्चुअल में रिसर्च नहीं की थी, जनरली कहा था इनके बारे में। और एक्चुअली मैं अभी इनके बारे में बताऊंगा। यहाँ पर पहली बात, मैंने पहले ही वीडियोस में काफी बताया हुआ है कि इनके प्रॉफिट्स के बारे में, काफी सारी चीजें के बारे में बातें की हुई है, बट अभी एक्चुअली में जो हमने पहले प्रेडिक्ट किया था वो अभी सच हो रहा है। सो वेरी वेरी कॉन्ग्रेचुलेशंस फॉर अस, यानी स्पेशली मैं खुद की तारीफ करना बुरी बात होती है इसलिए मैं बस बोला। यहाँ पर अगर बात करें तो एक्चुअली में ऐसा हुआ है और आपको न्यूज की क्लिपिंग्स यहाँ पर दिखा देता हूँ मैं। यहाँ पर ये न्यूज की क्लिपिंग्स है। यहाँ पर आइनॉक्स वॉन्स ऑफ रिपीटेड मेजर्स अगेंस्ट डायरेक्ट ओटीटी रिलीजेस। इन शॉर्ट मैं आपको ये छोटी एकदम आसान भाषा में समझ जा देता हूँ। यहाँ पर मूवी का नेम देख लेते हैं, पोनमंगल वंधल वंदल आई गेस, सॉरी आई एम इफ आई प्रोनाउंस इट रॉन्ग, बट ये एक मूवी है और एक ऐसी मूवी है जो यहाँ पर कोई स्टार को प्रोड्यूस कर रही है एक्सेट्रा एक्सेट्रा। तो यहाँ पर ये जो मूवी है ये ओटीटी प्लेटफॉर्म्स पे रिलीज हो रही है। ओटीटी प्लेटफॉर्म्स क्या होता है, अमेजॉन प्राइम और नेटफ्लिक्स हो गया या वूट हो गया या ऐसे काफी सारे ओटीटी प्लेटफॉर्म्स है। यूट्यूब उसमें नहीं आता क्योंकि यूट्यूब एक मीडिया है। तो ओटीटी प्लेटफॉर्म्स अगर देखा जाए, यूट्यूब भी ओटीटी प्लेटफॉर्म बोलेंगे बट यूजुअली यूट्यूब पे मूवीज रिलीज नहीं होती, मूवीज के ट्रेलर्स और गाने आते हैं, बट मूवीज एक्चुअली में नेटफ्लिक्स, अमेजॉन प्राइम, ये जो बाकी के कंपनीज है उसमें यूजुअली आती है। जियो मूवीज भी हो गए, तो यहाँ पर ये मूवीज रिलीज होती है। यूजुअली एज अ कंज्यूमर मैं खुद नेटफ्लिक्स यूज करता हूँ, अमेजोन प्राइम यूज करता हूँ, दोनों भी यूज करता हूँ। वूट आई गेस बैरली कभी देख लिया। तो यूजुअली अगर देखा जाए तो मेरी एज एन मेरी बात करूँ, एक यूजुअल कंज्यूमर की बात करें तो यूजुअली आई कैन सी पीपल आर लेस वॉचिंग टीवी एंड मूविंग टू ओटीटी प्लेटफॉर्म्स। अब बोलोगे टीवी का इसके क्या संबंध है, तो यूजुअली अभी अगर देखा जाए तो लोग ओटीटी प्लेटफॉर्म्स को यूजुअली मूवीज देखने के लिए मोस्ट ऑफली प्रेफर करते हैं। इसका ये जो थिएटर इंडस्ट्री है इसके ऊपर काफी बड़ा असर हो रहा है, जो असर अभी इतना बड़ा हो रहा है यूजुअली कोविड-19 की वजह से, ये असर एक्चुअल में सामने आ रहा है और इसका अभी काफी सारा नुकसान इन स्टॉक्स को होगा। आप बोलोगे कि रोहित हमें बता दो कि स्टॉक कहाँ पे जाएगा, इन्वेस्ट करना करे, ये सब बातें क्यों बोल रहे हो। ये सब बातें काफी इंपॉर्टेंट होती है, बस चार्ट देख के एनालाइज करना मेरी तो यहाँ पर आदत नहीं है स्टॉक को एनालाइज करने की। स्टॉक को एक्चुअली में जैसे एनालाइज करना चाहिए वैसे ही मैं करता हूँ, लाइंस ड्रॉ करना मेरी बस की बात नहीं है। यहाँ पर आगे बात करें तो एक्चुअल में अगर देखा जाए तो ये अभी मूवी जो है वो ओटीटी प्लेटफॉर्म पर रिलीज करना चालू हो चुकी है। उसके वजह से यहाँ पर आईनॉक्स वालों ने यहाँ पर एक कंप्लेंट डाल दी इनके अगेंस्ट कि यहाँ पर ऐसा ऐसा हो रहा है, दिस ऑल थिंग्स आर हैपनिंग, दिस इज नॉट गुड। सारे प्रोड्यूसर्स का मेरा कहना है कि हम जो मूवी इंडस्ट्री है उसमें ऐसा ना करें क्योंकि हमें लॉस हो जाएगा, आपको भी इतना प्रॉफिट नहीं हो पाएगा, ऐसा वैसा काफी चीजें यहाँ पर बात की है। आप यहाँ पर पूरा पढ़ सकते हैं, या आइनॉक्स का लेटर है, आप वीडियो पॉज करके ये पूरा लेटर पढ़ सकते हैं अगर आपको पढ़ना हो तो। अभी सिर्फ आइनॉक्स ही नहीं, आइनॉक्स के साथ साथ पीवीआर, जो दोनों स्टॉक आपके सामने है जो लिस्टेड है एनएसई पे, वही पीवीआर ने भी इनके अगेंस्ट डिसअपॉइंटमेंट एक्सप्रेस की है और ये बताया कि वो इससे काफी सारे डिसअपॉइंटेड है। अगर देखा जाए तो इनके पॉपकॉर्न की प्राइस ही पूरे साल का सब्सक्रिप्शन है अमेजॉन प्राइम का। अगर हम देखा जाए तो अगर आप यूजुअली मूवी देखने जाते हो तो आपका 1,000 रुपये का खर्चा हो जाता है, उसी 1,000 रुपये में आप पूरे साल अमेजॉन प्राइम देख सकते हो। यूजुअली पीपल प्रेफर टू गो फॉर अमेजॉन प्राइम। अगर एक्चुअली में मूवी देखना है तो लोग यहाँ पर सिनेमा हॉल्स में बस यूजुअली दे डोंट गो टू वॉच मूवीज, एक्चुअली दे डोंट जस्ट गो फॉर लेजर पर्पज, या कोई लोग घूमने जाते हैं बस इसी चीज में, इसलिए मूवी थिएटर्स अभी चल रहे हैं। पीपल डोंट एक्चुअली गो टू वॉच मूवीज बहुत कम है, क्योंकि ऐसे सारे प्लेटफॉर्म्स पे मूवीज मिल जाती है यूजुअली, बट
अभी फॉर एग्जाम्पल अभी कोई मूवी बताओ तो पानीपत बताओ, तो पानीपत अभी नेटफ्लिक्स पे अवेलेबल है। अभी एक्स्ट्राडिशन करके एक मूवी है वो भी नेटफ्लिक्स पे अभी अभी रिलीज हुई, बट वो फॉरेन मूवी है इसलिए आईनॉक्स या प्रीवियर कुछ बोल नहीं पाए। बट जब हॉलीवुड ऐसा कर सकता है तो यूजुअली ये भी कर सकते हैं। और अगर यहाँ पर एक्चुअली मैं आप बोल रहा हूँ कि पॉइंट पे आओ भाई, कब से घुमा रहे हो, वेल तो पॉइंट की बात करें तो एक्चुअली मैं अगर देखा जाए बहुत से लोग हैं जिन्होंने यहाँ पर स्टॉक को बाय करके रखा है, बहुत से लोगों ने यहाँ पर स्टॉक को बाय करके रखा है। और उन लोगों को बता दूं कि वापस ये लेवल पे आना, ये जो पिछला जो हाई था ना, पिछला हाई यानी अभी का करंटली हाई जो था, फेब का हाई था, वहां हाई पे आना स्टॉक का काफी डिफिकल्ट है। अगले एक साल में तो इम्पॉसिबल है, इम्पॉसिबल लिख के ले लो या कहीं भी लिख के ले लो, इम्पॉसिबल है अगले एक साल में स्टॉक का इस लेवल पे वापस आना। निफ्टी बढ़ेगा, सब बढ़ेंगे, ये नहीं बढ़ेगा। आप देख सकते हैं निफ्टी अभी कहाँ पे ट्रेड करो और ये ऑल टाइम लो पे ट्रेड कर रहा है। निफ्टी ऑल टाइम लो पे ट्रेड नहीं कर रहा है बट ये ऑल टाइम लो पे ट्रेड कर रहा है। क्यों? बिकॉज इसमें ऐसी सिचुएशन पैदा हुई है, अगर हम देखा जाए अभी करंटली तो इतना लो ये लास्ट टाइम 2015 में हुआ था। आप देख सकते कितनी स्टीप गिरावट है। क्यों गिरावट है इसमें? बिकॉज सिचुएशन सिचुएशन ही वैसी है। आपको लगेगा कि हाँ वापस स्टॉक 2000 जाएगा, पैसा तो डबल हो जाएगा, ऐसा होना काफी मुश्किल है, और होगा तो भी यहाँ पर काफी टाइम लग जाएगा, काफी टाइम लग जाएगा। जब सारी सिचुएशन नॉर्मल हो जाएगी, सारे चीजें नॉर्मल हो जाएंगी, लोग यूजुअली यहाँ पर बाहर जाना चालू कर देंगे, और ऐसा होने के लिए आई गेस प्रॉब्ली 6 7 8 महीने तो लग ही जाएंगे। बाद में इनके डेब्ट्स जो होंगे वो भरने हैं, बाद में इनके जो पेमेंट्स है वो करनी है, इनके जो लॉस हुआ है वो रिकवर करना है, उसके बाद जाके जब पूरा सब चीजें आएंगी साम, बाद में जब नॉर्मल नॉर्मल वर्किंग, इसमें नॉर्मल वर्किंग के लिए काफी टाइम लगेगा, हमारा जो नॉर्मल वर्किंग है उसके और 6 महीने लगेंगे तब ये नॉर्मली वर्किंग करेगा, तब जाके यहाँ पे कुछ सुधार दिखने को मिलेगा। तब तक स्टॉक अच्छा खासा आ जाए, तब तक रिकवर कर जाएगा स्टॉक, बट वापस इस लेवल पे आने के लिए इसको काफी सारा टाइम लगेगा। तब तक ये और कितना गिरेगा ये हमें नहीं पता। यूजुअली और नीचे जा सकता है 600 तक, आई डोंट नो 600 तक जाएगा नहीं जाएगा, नहीं तो जाना चाहिए बट जा भी सकता है, वी नेवर नो। और तब आपको यहाँ पर आप जाओगे प्रॉफिट लेने, अभी बाय करके बैठोगे, बट जो टाइम पीरियड में जो लॉसेस हुए हैं, जो स्टॉक की गिरावट आई है और स्टॉक में, वो काफी हो जाएगी, आप यहाँ पर फंस के रह जाओगे। बहुत से लोग बोलेंगे कि नहीं यार बाय कर लो, पैसे डबल हो जाएंगे, दिस इज अ टॉप स्टॉक टू बाय, दिस इज नॉट अ स्टॉक टू बाय। मैंने वीडियोस बनाई है जिसके ऊपर आप बाय कर सकते हैं, जिसमें आप पैसा लगा सकते हैं, शॉर्ट टर्म के लिए भी बनाई है, लॉन्ग टर्म के लिए भी बनाई है, आपके पेनी स्टॉक्स भी बनाई है, स्टॉक अंडर 500 100 रुपीज की कल ही वीडियो बनाई थी उसके बारे में बात की है, तो सारी वीडियोस बना चुका हूं मैं। इन स्टॉक से दूर रहो, लालच करोगे, जो लालच करेगा वही स्टॉक में प्रेफर बाय करने जाएगा, या फिर जिसे कुछ इंटरनल खबर होगी कि भाई हाँ ये सच में सुधरने वाला है वही शायद वो कर सकता है। पर यहाँ पर बाय करने की इन स्टॉक में गलती मत करिएगा, आप थोड़ा सा लालच के लिए आप सारा काफी सारा लॉस कर बैठोगे। बस ये पीवीआर का दिखा दिया, आइनॉक्स का भी देख लो, अगर आइनॉक्स की बात करें तो आइनॉक्स इस जो आइनॉक्स ने यहाँ पर इसका जो आईपीओ प्राइस जो ओपनिंग प्राइस था वो अगर हम देखें उसके थोड़ा सा ही ऊपर है। ये जब अपना ओपनिंग आया था, आईपीओ आया था, तब काफी गिर गया था, उसके बाद इसने रिकवरी दिखाई काफी अच्छी। बट अगर एक बार के लिए पीवीआर देखे तो पीवीआर इज अ वेरी गुड स्टॉक, बट यहाँ पर आइनॉक्स काफी और डिफिकल्ट स्टॉक है इन्वेस्ट करने, डिफिकल्ट यानी प्रॉफिट कमाना यहाँ पर काफी डिफिकल्ट है, इसलिए आइनॉक्स से यूजुअली भी आप दूर रहे तो अच्छा रहेगा। और ऐसा तो दूर रहने को मैं कह रहा हूँ, और अभी काफी क्रिटिकल स्टेज पे दिख रहा है, अभी टेक्निकली देखा जाए तो काफी क्रिटिकल स्टेज पे दिख रहा है। यहाँ पर अगर ये और स्लिप डाउन करता है तो लोग जो इन्वेस्टर्स है वो मेंटली यहाँ पर लोगों को लगेगा कि हाँ ये एक्चुअली में गिरने वाला है, और यहाँ पर स्लिप डाउन हो सकता है, तो उस स्लिप डाउन से भी आपको बचना है। आपको स्टॉक में यहाँ पर आगे की सोचोगे, यहाँ पर 1 साल 2 साल बाद की सोचोगे तो यहाँ पर फंस के रह जाओगे। कितना स्टॉक और गिरेगा नो बडी नोस, किसी को नहीं पता। ये शायद और नीचे जाए, शायद कंपनी इसके बाद ऐसी हालत बन जाए कि नॉन फंक्शनिंग हो जाए और काफी डेप्ट हो जाए, ऐसा भी चीज हो सकती है।
या फिर जब नॉर्मल होगा तो डेब्ट का बोझा इतना होगा कि उसे रिकवर करने में मैंने जितना अंदाजा लगाया उससे काफी और ज्यादा लग सकता है। इसलिए फिर ये फंक्शनिंग कंपनी इन डेब्ट कंपनी बन जाएगी, इन डेब्ट कंपनी, जो कि काफी बुरा है एक स्टॉक के लिए। इसलिए वही स्टॉक में इन्वेस्ट करो जो आपको यहाँ पर प्रॉफिट दे, जो आपको प्रॉपरली वर्किंग कमा के दे, और लालच करने जाओगे तो प्रॉफिट भी कमाओगे। पर फिर आज के लिए बस इतना ही। वीडियो पसंद आया तो सब्सक्राइब कीजिएगा, ऐसा हो जो पसंद है। Drop the bomb.